चल मेरे बाल नोच, मेरे बाल उखाड़। मगर क्यों बाबूजी? अरे देखता नहीं कितने बड़े हो गए, मैं जंगली लगता हूँ। अरे तो नाई को क्यों नहीं बुलवा लेते? तो नाई को पैसा देने के लिए तुम दहेज में लाई थी क्या? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर पहले सोचा करो फिर बोला करो। अरे लेकिन शनिवार के दिन बाल उखड़वाने से जिंदगी भर बाल नहीं आएंगे। अच्छा होगा तो बाल कटवाने के लिए नाई को पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। चल। मगर बाबूजी, कोई मुझे आपके बाल नोचते देखेगा तो क्या कहेगा? नाई का बेटा और क्या, इससे तुमको क्या मतलब? चल बाल नोच। मगर आपको दर्द कितना होगा? अरे जो कहते हैं वो कर देना, उखाड़ दे। धीरे का। ये क्या हो रहा है? मैं सलून वालों को बाल काटने का नया तरीका सिखा रहा हूँ। हाउ नाइस। बाबूजी मुझे 500 रुपये चाहिए। 500 रुपये? 500 रुपये में तो सलून खोल सकता हूँ जिसमें तेरे बाल कटेंगे, संजू के कटेंगे, मेरे कटेंगे, तेरी माँ के कटेंगे, गीसू के कटेंगे। अबे गीसू, तू तो बोलता था ना कि बला टल गई। तुम्हारे लुढ़कने में कमी रह गई होगी, मैं अभी टाल के आता हूँ। बाबूजी दीजिए ना 500 रुपये। 500 रुपये मांगने से पहले तुम्हें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। मुझे तैरना जो आता है। तो फिर 500 रुपये क्यों चाहिए? वो रिक्शा वालों को देना है। अच्छा तो तूने रिक्शा अमेरिका में पकड़ी थी क्या? न्यूयॉर्क की गली में खड़ी होगी रिक्शा, बम्बई चलोगे? नहीं, एक महीने का भाड़ा देना है। वो रोज मुझे स्कूल ले जाता था लाता था। यानी तू रोज स्कूल में रिक्शा में बैठ के जाती थी? किसको पूछ के जाती थी? आपसे। तो तुम मुझे बेवकूफ साबित करना चाहती हो? मैं सिर्फ 500 रुपया चाहती हूँ, वो रिक्शा वाला को देना है। अच्छा रिक्शा वालों को 500 देना है ना, मैं देता हूँ अभी रिक्शा वाले को। बाबूजी अरे बाप रे, दूध उबल गया। आज तो अपशकुनों की बाढ़ आई है भामा। गीसू ये भामा क्या होता है? मैंने तय किया आज से मैं आपको भामा ही बुलाऊंगा। तुझे मैं क्या भीम की बहन दिखती हूँ? नहीं नहीं, नटो लाला मेरे दोस्त हैं, तो आप मेरी भाभी हुई और मैं उनकी ऑफिस में क्लर्क हूँ, वो मेरे मालिक हैं तो आप मेरी मालकिन हुई, तो भाभी का भा और मालकिन का माँ तो भा माँ। तो आज से मुझे भावा बहन कहा कर। अच्छा तो बहन कहने को कह रही हो तो भाई के नाते मेरा ये बताना फर्ज है कि ये घोर अनर्थ की सूचना है। क्या? हाँ। अच्छा? दूध उबल गया था तो लाजवंते का बेटा मर गया था। मेरा? दूध उबल गया था तो पारो की बेटी ने आत्महत्या की थी। हरे कृष्णा और दूध उबल गया था तो भगीरथी का खून हो गया था। हे राम, अब क्या होगा? हो सकता है आपका बेटा है? नहीं। आपकी बेटी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हो सकता है आप खुद? नहीं ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हम नहीं मर सकते गीसू। मैं मरने की बात कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा था कि हो सकता है आपका बेटा, आपकी बेटी या आप खुद कुछ उतारा करें तो आप शकुन टल जाए। अच्छा हाँ। क्या करना होगा गीसू? अब ऐसा कीजिए, सोने या चांदी की कोई चीज इस उबलते दूध में डाल दीजिए और दांत से निकाल लीजिए तो अपशकुन टल जाएगा। अभी? हाँ अभी इसी वक्त, जल्दी जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा। जल्दी करो बाबा। ऐसे डालो ना। हाँ जल्दी। दांत से निकाल लेना। आपको पता नहीं भामा, मैं आपको कितने बड़े अपशकुन से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ आपको मालूम है, सलोनी आगे पढ़ाई करने का सपना देख रही है। क्या? हे भगवान, ये सलोनी को कुबुद्धि कहाँ से पैदा हो रही है? हाँ उस अनर्थ के मुकाबले आपका मुंह जल जाना तो बहुत ही छोटी सी बात है। पर कोई बात नहीं भामा, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये अंगूठी कौओं को खिला कर आता हूँ। अच्छा तो क्या है, सलोनी की पढ़ाई के सपने को श्राद्ध मिल जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और लाला कहाँ है?
अपने कमरे में होंगे। तुमको भी ये बात बता देता हूँ। हाँ बता दे बता दे। हे भगवान, ये सलोनी को मत ही दे प्रभु। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, हरे रामा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे रामा, 9 लाख, 10 लाख। आप जितना आगे गिनोगे उतना ही आपकी बेटी आगे पढ़ने की सोचेगी। मेरे मना करने के बावजूद भी वो पढ़ाई की योजना कर रही है। आपके मना करने का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। तुम उसने खाना नहीं खाया है, असर कैसे पड़ेगा? खाना पीना तो आप भूल ही जाइए लाला। क्यों? अरे बचत करनी होगी ना अपनी बेटी की भलाई के लिए, खाना पीना छोड़ दो। किशु, मुझे लगता है कि वो अगर फेल हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जरूर फेल हो जाती लाला, अगर हीरा लाल आज जिंदा होता। हीरा लाल? कौन हीरा लाल? वो क्या करता था? हीरा लाल? हीरा लाल की ऐसी काली जबान थी कि वो जो कहता था सच हो जाता था। अच्छा? हाँ। तो काली जबान से जो ठीक करना है हो सकता है? हाँ। और ये क्या कर रहे हो लाला? भगवान मेरी बेटी को फेल कर दे, मेरी बेटी को फेल कर दे, मेरी बेटी को फेल कर दे। अरे ये क्या हो रहा है? अब मेरी जबान काली हो गई है। लाला ऐसे काली साड़ी पहने से काली जबान नहीं होती। काली जबान तो ऐसे ओरिजिनल होनी चाहिए, ऐसे जन्म से होनी चाहिए। तो ये उपाय बेकार? ये उपाय तो बेकार। वैसे एक और उपाय है मेरे पास। सलोनी को रिजल्ट लेने जाने से रोकना चाहिए, तब आप 200 रुपए निकाल। तो फिर वो पढ़ ले तो क्या फर्क पड़ता है? क्या खर्चे? खर्च नहीं है, खर्च है 20,000 रुपए पढ़ाई के। लेकिन उपाय क्या है बताता हूँ। सुनो अपशकुन की देवी, जैसे ही सलोनी सीढ़ियां उतरेगी ना तो रास्ता काट देना। जाओ ऑल द बेस्ट, गो। ओहो भैया कितनी देर लगाते हो? सीढ़ी में रास्ता नहीं काटा। बेहया हैं, सीधा रास्ता काटने के बजाय तू दूध दबा कर रुक गई है। मेरे पैसे का दूध पीती है, तू दूध हरा नहीं हो गई, अब सीधा रास्ता काटना। हाँ हाँ माँ, मैं रिजल्ट लेने जा रही हूँ। तू फेल हो गई। कैसे पता? बिल्ली ने रास्ता काटा ना। काटा कहाँ है, वो तो आके पैरों में गिरी है। नहीं लेकिन अब शुक्र हो गया ना। कहते हैं पिता का चेहरा देखने से सारे अपशकुन खत्म हो जाते हैं। वो तो अच्छे पिता के, मैं तो मनहूस हूँ। फिर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बिल्ली की रास्ता काटने की मनुष्यत और आपकी मनुष्यत शुभ हो जाएगी। नहीं फेल हो जाएगी। नहीं अपशकुन हो गया। तू कुत्ते की रोने की आवाज देखा ना, कुत्ते ने भोग दिया, अब शुकन हुआ ना, अब तू पास नहीं होगी। कुत्ते के भोगने से फेल पास का क्या संबंध? अरे कहाँ चली? देखा तेरी माँ ने टोक दिया, अब शुकन हुआ ना, पहले बिल्ली फिर कुत्ता फिर तेरी माँ, तू कभी पास नहीं होगी। मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करती। ओके बाय। चलो नहीं दही तो खा लीजिए। अरे घर में तो शक्कर नहीं थी, तुमने ऐसे ही खिला दिया। मैंने नमक डाल दिया। नमक डाल दिया तो अब शुकन हो गया। अरे कहते हैं कि दही के साथ तो लोग शक्कर खाते हैं तब तो शुकन होता है, तूने अब शुकन खिला दिया। तू पास नहीं होगी, जाओ मत जाओ मत जाओ। बाबूजी फिर भी देखने में क्या बुराई है? चलो भैया चलो। सारे जतनों पे ठोकर मारकर चली गई। फिक्र मत करो लाला, देखना इतने अपशगुन हो गए हैं कि कॉपी में से नंबर तो क्या पूरी मार्कशीट ही गुम हो जाएगी। जितनी चहकती हुई गई है ना उतनी ही पीली होकर वापस आएगी, और देखना चेहरे पे से हवाइयां उड़ जाएगी। हवाइयां? अगर यकीन न हो तो इंतजार करो। नमक आया है।
देखा, मैंने कहा था ना उड़ गई ना हवाइया, हो गया ना रंग पीला। मैंने कहा था ना अपशुकनों की भाषा नहीं समझती थी ना, फेल हो गई ना है? मैं कितनी बार कहा रिजल्ट देखने मत जा, मगर मेरी एक नहीं सुनी। अब तो जिसमें फेल हुई उसी क्लास में कैसे बैठेगी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबूजी ये उदास इसलिए है कि ये अपशुकन इसके एग्जाम के वक्त क्यों नहीं हुए। बेचारी स्कूल टॉप करते करते रह गई। मैं पूरे स्कूल में दूसरे नंबर से ही पास हो सकी बाबूजी।